सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बैलेट पुल बैक के बारे में। अब गाइस, अगर हम लोग बैलेट पुल बैक के बारे में बात करें तो मार्केट के अंदर ये पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि इसी के बेसिस पे गाइस हम लोग क्या करते हैं, अपने स्ट्रक्चर की मार्किंग करते हैं। लोअर टाइम फ्रेम में एंट्री लेते समय हम लोग चौक वगैरह को मार्क करते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लोग इसके बेसिस पे इंड्यूसमेंट को मार्क करते हैं। तो मार्केट के अंदर बैलेट पुल बैक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से पता होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो आज की जो वीडियो है गाइस, इसी के ऊपर होने वाली है, कैसे हम लोग बैलेट पुल बैक को आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम लोग इन बैलेट पुल बैक को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बारे में प्रॉपर तरीके से आप लोगों को आज की वीडियो में सीखने को मिलेगा। और काफ़ी सारे लोग इसको आइडेंटिफाई करने में गलतियाँ करते हैं, बैलेट पुल बैक को बहुत सारे लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से उनके स्ट्रक्चर, उनके इंड्यूसमेंट जो भी चीज़ें होती है वो रॉन्ग हो जाते हैं। तो आज की वीडियो एक प्रॉपर वीडियो होने वाली है पुल बैक के ऊपर, जो कि इससे रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। सो वीडियो आप लोग ध्यान से देखना, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है और इसको आप लोग अच्छे से देखना। अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आप लोग अगेन वीडियो को देखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी के बेसिस पे आप लोग इंड्यूसमेंट, चौक एंड अपने स्ट्रक्चर वगैरह को मार्क करते हो, तो इसके बारे में आप लोगों को प्रॉपर तरीके से नॉलेज होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को ध्यान से देखना, और वीडियो आप लोगों को कहीं पर भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, इंस्टाग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। सो बिना टाइम इसके हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने कुछ ड्रॉइंग कर रखी है, कुछ चार्ट को ड्रॉ कर रखा है। अब इसके थ्रू में गाइस आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा कि मार्केट के अंदर पुल बैक कैसे वर्क करते हैं, आप लोगों को प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा इन ड्रॉइंग्स के थ्रू। तो वीडियो आप लोग ध्यान से देखना। सो फर्स्ट हम लोग इस वाले ड्रॉइंग से समझते हैं कि पुल बैक्स कैसे वर्क करते हैं, बैलेट पुल बैक एंड इन बैलेट पुल बैक कैसे वर्क करते हैं, राइट। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखना। सो सबसे पहले मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बैलेट पुल बैक कैसे हुआ करते हैं, राइट। तो देखो, मार्केट के अंदर जब भी मार्केट कहीं पर भी, किसी भी जगह पे, किसी भी पॉइंट पे, मार्केट कहीं भी अगर अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करती है, ये मैं बता रहा हूँ आपको अप ट्रेंड में, बुलिश मार्केट में। मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि मार्केट अगर बुलिश है, लाइक यहाँ पर मार्केट बुलिश है, और मार्केट क्या करे, अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे, लाइक ये कैंडलस्टिक है और उसने अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये क्या होगा, ये एक पुल बैक होगा। तो गाइस आप लोगों को इतना याद रखना है कि अप ट्रेंड में मार्केट जब भी अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी तो वो एक पुल बैक आता है मार्केट के अंदर, वो बैलेट पुल बैक होता है। अब मैं आप लोगों को चलिए यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग के थ्रू समझाता हूँ कि कैसे मार्केट के अंदर एक बैलेट पुल बैक वर्क करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर इस वाले ड्राइंग में कुछ नेम वगैरह कर रखे हैं कैंडल के ऊपर, तो इसके थ्रू मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक बुलिश मार्केट है, अप ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट अप ट्रेंड में कैसे वर्क करता है, बैलेट पुल बैक कैसे वर्क करते हैं, राइट। सो आप लोग यहाँ पर देखो, मार्केट में अगर मैं बात करूँ कैंडलस्टिक पैटर्न में, तो ये एक क्या है, इम्पल्स मूव है। मार्केट के अंदर आपने देखा होगा कि मार्केट कुछ इस तरह से चलती है, एक इम्पल्स मूव लगाती है, उसके बाद मार्केट करेक्शन करती है, मार्केट एक करेक्टिव वे में चलती है, मार्केट कभी भी एक ऐसा मूव नहीं करती है कि मार्केट करेक्शन ना ले। तो मार्केट का ये रूल है कि मार्केट जब भी एक इम्पल्स मूव लगाएगी तो करेक्शन करेगी। तो अगर हम लोग यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो मार्केट के अंदर ये जो मूव आया है ये एक इम्पल्स मूव है। अब मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मैंने आप लोगों को क्या बोला था कि मार्केट जब भी अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करेगी अप ट्रेंड में, तो वो एक पुल बैक आएगा मार्केट के अंदर। अब यहाँ पर आप लोग देखो, कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक इम्पल्स मूव लिया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन लिया। अब ये मार्केट ने क्या किया, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर दिखाऊं, तो मार्केट ने क्या किया, अपने मार्केट ने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया। अब यहाँ पर आप लोग देखो, ये एक ए कैंडल है, ए कैंडल ने क्या किया, सॉरी, ए कैंडल के लो को बी कैंडल ने ब्रेक किया, तो यहाँ पर ये क्या हुआ, बैलेट पुल बैक हुआ अप ट्रेंड में। सो यहाँ पर मार्केट ने इस कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये एक बैलेट पुल बैक आया। बट मार्केट के अंदर ये कंफर्म कब होगा, जब मार्केट क्या करेगी, अपने इस वाले एक कैंडल के हाई को इस तरह से ब्रेक कर देगी, तो ये कंफर्म हो जाएगी कि मार्केट ने यहाँ पर बैलेट पुल बैक ले लिया है। सो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि अपने अप ट्रेंड मार्केट में देखना है कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे,
ब्रेक करने के बाद जिस कैंडल का लो उसने ब्रेक किया है उसकी हाई अगर ब्रेक कर देती है तो वो एक वैलिड पुल बैक में आएगा, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक और लॉजिक समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखो, मार्केट ने क्या किया, बी कैंडल ने क्या किया है, ए कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं किया बट लो को ब्रेक किया है। बट अगर यहाँ पर ये होता कि मार्केट इस तरह से जाती, पहले तो ए कैंडल का हाई ब्रेक करती, उसके बाद मार्केट क्या करती, ए कैंडल के लो को ब्रेक करती, तो यहाँ पर आप लोग कैसे आइडेंटिफाई करते कि ये वैलिड है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कैसे आप लोग मार्क करते। सबसे पहले तो क्या होता है कि मार्केट, यहाँ पर आपको देखना है कि मार्केट प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे, ये कंपलसरी है अप ट्रेंड में। तो मार्केट ने एक कैंडल के लो को ब्रेक किया, अब ये पुल बैक हो गया। अब यहाँ पर ये वैलिड कब होगा, जब मार्केट क्या करेगी, यहाँ पर क्या करेगी, बी कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी। क्योंकि अब यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, एक कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया था, तो कंपलसरी है कि मार्केट अब एक कैंडल के हाई को ब्रेक करे। अब यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो देखो मार्केट ने क्या किया, कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट का ये एक इम्पल्स मूव था, ये एक करेक्शन था, उसके बाद मार्केट ने ये एक इम्पल्स मूव लगाया। सो इस तरह से गाइस आप लोगों को क्या करना है, अपने अप ट्रेंड मार्केट में वैलिड पुल बैक को आइडेंटिफाई करना है। कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर ये पुल बैक वर्क करते हैं। आप लोगों को सिर्फ इतना याद रखना है कि मार्केट के अंदर कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे मार्केट क्या करे, अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है तो वो वैलिड होगा, ये वैलिड पुल बैक हो जाएगा, बस इतना आप लोगों को याद रखना है। सो इस तरह से मार्केट के अंदर आप लोगों को आइडेंटिफाई करने हैं वैलिड पुल बैक। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि वैलिड पुल बैक मार्केट के अंदर कैसे वर्क करते हैं। इस वाले ड्रॉइंग के थ्रू आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो अभी हम लोग नेक्स्ट ड्रॉइंग में समझते हैं कि मार्केट के अंदर इन वैलिड पुल बैक कैसे वर्क करते हैं, राइट। तो आप लोग थोड़ा सा इस वाले ड्राइंग में आके देखो कि इन वैलिड पुल बैक कैसे आते हैं मार्केट के अंदर और लोग उनको कैसे वैलिड पुल बैक कंसीडर कर लेते हैं। सो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर समझना, देखो मार्केट के अंदर मैंने क्या बोला था कि आपको अप ट्रेंड में ये बेरिश और बुलिश दोनों में एक ही जैसे काम करते हैं, मैं अप ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। सो आप लोग यहाँ पर देखो ये भी एक अप ट्रेंड मार्केट है कैंडलस्टिक पैटर्न में। सो मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि अप ट्रेंड में मार्केट क्या करे, अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे तो वो एक वैलिड पुल बैक होता है, राइट। तो अगर आप लोग देखोगे तो मैंने यहाँ पर कुछ ड्राइंग भी कर रखी है कैंडल के ऊपर। तो एक कैंडल के अगर हम लोग हाई एंड लो को मार्क करें तो यहाँ पर आप लोग देखो एक कैंडल का हाई कुछ इस लेवल पे है और लो कुछ इस लेवल पे है। तो यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट के अंदर कि ये जो पुल बैक आए हैं मार्केट के अंदर, ये जो करेक्शन हुआ है मार्केट के अंदर, ये क्या है, इन वैलिड पुल बैक है। क्यों, क्योंकि मार्केट ने एक कैंडल के बीच में मूव किया है, इन साइड मूव है, ये सारे इन साइड मूव है। तो जब तक मार्केट क्या करे, अपने प्रीवियस कैंडल के हाई लो को ब्रेक ना करे तब तक वो वैलिड नहीं होता है। अब आप लोग देखो एक कैंडल के ये सारे इनसाइड है, इसका कोई काम नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मार्केट के अंदर ऐसे कई सारे मल्टीपल कैंडल बन जाते हैं तो उनको क्या करते हैं कि वो एक एज अ पुल बैक मार्क कर लेते हैं, क्योंकि वो नेगेटिव कैंडल बनती है मार्केट के ट्रेंड में। तो वो क्या करते हैं, मार्केट में ये जो पुल बैक आते हैं इनको क्या करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं वैलिड पुल बैक। बट ऐसा नहीं होता है, मार्केट में क्या हुआ कि ये सारे इनसाइड मूव है। अब अगर मैं यहीं पर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो कुछ इस तरह से मार्केट क्या करती, बी कैंडल जो है अपने ए कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती, उसके बाद मार्केट में ये जो मूव आए हैं ये सारे वैलिड होते हैं। अब ये एक वैलिड पुल बैक हो जाता है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने क्या किया, ए कैंडल के हाई को ब्रेक किया और उसके बाद मार्केट ने क्या किया, सी कैंडल ने बी कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो मार्केट में ये एज अ पुल बैक काउंट किया जाएगा। तो इस तरह से अगर मूव मार्केट में होती है तो ये वैलिड होता है। बट अगर मार्केट कुछ इस तरह से मूव करती है, मार्केट ना एक कैंडल के हाई को ब्रेक करती है ना लो को ब्रेक करती है, ये इनसाइड मूव आते हैं, तो ये इनवैलिड होता है। बट अगर एक पॉइंट में आपको यहाँ पर और समझाऊँ कि मार्केट अगर क्या करे, यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो ई कैंडल जो है अगर अपने ए कैंडल के लो को ब्रेक कर देती तो ये वैलिड होता, क्यों, क्योंकि मार्केट का जो लो था प्रीवियस कैंडल का, प्रीवियस कैंडल के लो को मार्केट ने ब्रेक किया। अब ये मैटर नहीं करता कि कितने कैंडल ने मिलकर ब्रेक किया है, बस ये मैटर करता है कि मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे तो ये वैलिड हो जाएगा। सो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक किया, सो ये हमारा वैलिड पुल बैक में आएगा। बट आप लोग जब भी देखना कि मार्केट क्या कर रही है, इन साइड मूव कर रही है तो वो इन वैलिड पुल बैक होता है। आप लोग इतना याद रखना कि इन साइड मूव सारे जितने भी इन साइड मूव आते हैं वो सारे इन वैलिड होते हैं। तो कुछ इस तरह से मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, वैलिड पुल बैक कुछ इस तरह से वर्क करते हैं। आप लोगों को ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। अब यहाँ पर ये जो मैंने बताया ये सारी काफ़ी सारे लोगों के साथ होती है, ये काफ़ी सारे लोग गलतियाँ करते हैं कुछ इस तरह से जो
पुलबैक आते हैं जो इनसाइड मूव होते हैं उनको एज अ अपना वैलिड पुलबैक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें भी समझ में आ गई होंगी कि मार्केट के अंदर इन वैलिड पुलबैक कैसे वर्क करते हैं और वैलिड पुलबैक कैसे वर्क करते हैं। होप कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अभी यहाँ पर मैंने दो चीज़ें और ड्रॉ करके रखी है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पर गाइस अब हम लोग इस वाले ड्रॉइंग में थोड़ा सा समझ लेते हैं, और ये एक बेरिश मार्केट है, लाइक ये डाउन ट्रेंड मार्केट है। तो यहाँ पर भी थोड़ा सा आप लोग समझ लो, अभी तक ये अप ट्रेंड की जो एग्जाम्पल थे आप लोगों ने देखा, अभी यहाँ पर आप लोग डाउन ट्रेंड में भी थोड़ा सा देख लो। सो मार्केट में क्या होता है कि मैंने आप लोगों से बोला था कि अगर मार्केट अप ट्रेंड है तो प्रीवियस कैंडल की लो ब्रेक करनी होनी चाहिए। अब यहाँ पर डाउन ट्रेंड है तो मार्केट में क्या हो कि मार्केट अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे तो वो एक वैलिड पुल बैक होगा, राइट। तो अभी आप लोग यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई करोगे बेरिश मार्केट में, डाउन ट्रेंड मार्केट में? सो आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट में क्या हुआ है कि ये एक इम्पल्स मूव आया है। अब इम्पल्स मूव आने के बाद मार्केट ने करेक्शन किया, तो मार्केट में क्या आप लोगों को देखना है कि मार्केट एक कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी तो वो एक वैलिड पुल बैक होगा। सो आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, जो कि ए कैंडल के हाई को बी कैंडल ने ब्रेक किया, तो ये क्या हुआ, एक वैलिड पुल बैक हुआ। बट अभी ये पुल बैक हुआ है, बट वैलिड कब होगा, जब मार्केट अपने बी कैंडल के लो को ब्रेक कर देगी तो ये वैलिड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग देखोगे थोड़ा सा समझोगे तो मार्केट में क्या होता है कि मार्केट ने ये एक क्या किया, यहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्स मूव लिया। अब मार्केट ने यहाँ पर करेक्शन किया, मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया तो ये एक करेक्शन आ गया। अब मार्केट में ये तो वैलिड हो गया कि मार्केट के अंदर ये पुल बैक आ गया, बट मार्केट पुल बैक कहाँ तक लेगा इसका कोई गारंटी नहीं। तो आप लोग जब भी ऐसा कोई सिनेरियो बने कि मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को तो ब्रेक कर दिया है बट मार्केट अपने लो को ब्रेक नहीं करी, जिस कैंडल ने हाई को ब्रेक किया है उस कैंडल के लो को भी ब्रेक होना चाहिए तभी वो एक वैलिड पुल बैक होगा। बट अभी मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, मार्केट ने पुल बैक तो लिया बट मार्केट ने क्या किया, यहाँ तक अपना एक करेक्शन किया। तब मार्केट ने क्या किया, अब यहाँ पर मार्केट ने इस वाले बी कैंडल के लो को ब्रेक किया तो ये कुछ इस तरह से पुल बैक हमारा जो होगा कंफर्म होगा, वैलिड होगा। मार्केट के अंदर आप लोग देखना कि मार्केट जब भी अपने प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे, सॉरी हाई को ब्रेक करे, और सेकंड सेकंड कैंडल से सी कैंडल अगर अपने बी कैंडल के लो को ब्रेक कर देती है तो वो कुछ इस तरह से हमारा काउंट होगा, लाइक मार्केट का ये एक क्या होगा, हमारा इम्पल्स मूव होगा, करेक्शन होगा। और मार्केट ने क्या किया, सी कैंडल ने यहाँ पर अपने इस वाले बी कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया कुछ इस तरह से, लाइक आप लोग देखो कुछ इस तरह से, तो ये क्या होगा, एक वैलिड पुल बैक में काउंट किया जाएगा। बट मार्केट ने क्या किया, अभी मार्केट ने यहाँ पर अपने प्रीवियस बी कैंडल के लो को ब्रेक नहीं किया था तो मार्केट में ये कहाँ तक पुल बैक जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं। जब भी मार्केट अपने करेक्शन में आके फिर से वो इम्पल्स मूव लगाएगा देन वो अपना एक वैलिड पुल बैक कन्फर्म करेगा। तो कुछ इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ें भी ध्यान में रखनी होगी, राइट। सो अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग इस वाले ड्रॉइंग में भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। सो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखो, ये भी एक बेरिश मार्केट है, डाउन ट्रेंड मार्केट है। यहाँ पर भी आप लोगों को क्या देखना है कि प्रीवियस कैंडल के हाई को मार्केट ब्रेक करे देन वो क्या होगा, पुल बैक होगा, पुल बैक वैलिड पुल बैक में वो काउंट होगा। सो आप लोग यहाँ पर देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपने ए कैंडल के हाई को ब्रेक किया सो ये वैलिड पुल बैक में आएगा। अब मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर वैलिड पुल बैक तो लिया बट मार्केट में वैलिड कब होगा, जब मार्केट अपने बी कैंडल के लो को ब्रेक करेगी। सो आप लोग देखो मार्केट ने क्या किया, ए कैंडल के हाई को ब्रेक किया बी कैंडल ने, उसके बाद सी कैंडल ने जस्ट बी कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया। सो आप लोग यहाँ पर देखो ये क्या होगा, एक वैलिड पुल बैक आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर कैसे मार्क करना है कि मार्केट का स्ट्रक्चर कैसे बना है कैंडलस्टिक पैटर्न में अगर हम लोग देखें तो। सो अगर आप लोग देखोगे तो ये एक इम्पल्स मूव आया है, उसके बाद मार्केट में ये करेक्शन गया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक इम्पल्स मूव लगाया। अब यहाँ पर ये चीज़ें तो हो गई। अब मार्केट में क्या होता है कि जब भी वैलिड पुल बैक होता है हम उसको क्या काउंट करते हैं, अपना इंड्यूसमेंट लेते हैं। जब भी मार्केट के अंदर एक क्या होता है कि वैलिड पुल बैक आता है तो हम स्ट्रक्चर मार्क करते समय उसी को अपना एज अ इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, अपना इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे स्ट्रक्चर में, जब भी हम स्ट्रक्चर को मार्क करेंगे तो इसको हम अपना इंड्यूसमेंट लेंगे इस वाले पॉइंट को। सो आप लोग देखो क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, थोड़ा सा इसको मैं साइड करता हूँ। देखो मार्केट ने क्या किया कि मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट अगेन क्या किया, आपने इस वाले इंड्यूसमेंट लेवल को कलेक्ट किया, मतलब कि इस वाले हाई को ब्रेक किया। सो यहाँ पर ये क्या होगा कि मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट को लिया, अब ये हमारा जो लो था ये कंफर्म हो गया। जब भी मार्केट इस तरह से आप लोगों को सिनेरियो करती हुई दिखे तो आप लोगों को कुछ इस तरह से मार्क करना है। अब मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट लिया। अब मार्केट अगर यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर जाके कुछ इस तरह से इसको ब्रेक करती
तो ये क्या होता है, ये हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में आ जाता है। अब ये वैलिड पुल बैक क्यों हुआ, इसका लॉजिक थोड़ा सा आप लोग समझो। देखो यहाँ पर मार्केट ने किस तरह रिएक्ट किया है, मार्केट ने यहाँ पर एक इम्पल्स मूव लगाया, बी कैंडल का लो यहाँ पर था, उसके बाद मार्केट ने अपने प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक किया, तो ये हमारा क्या होगा, एक पुल बैक में आएगा। जब मार्केट सी कैंडल ने अपने बी कैंडल के लो को ब्रेक किया, तो ये हमारा कंफर्म हो गया, ये पुल बैक कंफर्म हो गया वैलिड पुल बैक में। अब उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट सी कैंडल ने अपने बी कैंडल के लो को ब्रेक करके अपना एक वैलिड पुल बैक क्रिएट किया। उसके बाद मार्केट में क्या हुआ कि सी कैंडल यहाँ पर आके क्लोज हुई, उसके बाद डी कैंडल जो है अपने इस वाले इंड्यूसमेंट को कलेक्ट कर लिया। तो ये क्या हो गया कि हमारा जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, हमारा लो कंफर्म हो जाता है। सो मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, कुछ इस तरह से मार्केट आई, लाइक यहाँ से एक इम्पल्स मूव लगाया, उसके बाद करेक्शन किया, फिर इम्पल्स मूव लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ से करेक्शन करके अपने इंड्यूसमेंट को लिया और यहाँ से मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। सो इस तरह से भी आपको सिनारियो देखेंगे मार्केट के अंदर। जब भी आप लोगों को कुछ ऐसा सिनारियो मिले मार्केट के अंदर, तो वो आप मार्क कर लेना कि मार्केट में ये एक इंड्यूसमेंट लेवल बनाए। काफ़ी सारे लोग ऐसे पॉइंट पे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा पुल बैक कौन है, कौन सा इंड्यूसमेंट मार्क करें, बहुत सारे लोग ऐसे पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डाउट होता है। इस तरह से जब भी सिनेरियो करती है मार्केट, तो लोगों को कंफ्यूजन में कर देती है। तो आप लोगों को हमेशा ऐसे मार्क करना है कि मार्केट में जो एक कैंडल के हाई को मार्केट ने ब्रेक किया है, उसके बाद सी कैंडल ने यहाँ पर जो ब्रेक किया है, ये वैलिड पुल बैक हो गया। सो इस वाले वैलिड पुल बैक को जब भी मार्केट कलेक्ट करेगी, तो ये हमारा इंड्यूसमेंट कलेक्ट होगा मार्केट के अंदर, और जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट लेती है, तो हमारा लो कन्फर्म होता है, और मार्केट जब लो को ब्रेक कर देगी, तो ये वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हो जाएगा। सो आप लोगों को ऐसे पॉइंट पे कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। सो इस तरह से मार्केट के अंदर क्या होते हैं कि हमारे जो पुल बैक्स होते हैं वो वर्क करते हैं, राइट। सो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि वैलिड पुल बैक कैसे वर्क करते हैं, इन वैलिड पुल बैक कैसे वर्क करते हैं। होप कि ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आप लोगों को अभी भी समझ में नहीं आया है, तो आप लोग एक काम करो, वीडियो को अच्छे से अगेन एक बार देखो, आपको दोबारा देखने में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो वीडियो को अगेन एक बार अच्छे से देखना। सो आई होप गाइस कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो अगर आप लोगों को वीडियो कहीं पर भी पसंद आई है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। टेलीग्राम इंस्टाग्राम की लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लेना। और यार आप लोग वीडियो को लाइक जरूर किया करो, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, एडिटिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में, सो मेहनत काफ़ी ज़्यादा लगती है, और आप लोगों की एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और आप लोग अगर कमेंट भी करते रहते हो, तो मुझे और भी अच्छा लगता है, और भी मोटिवेशन मिलता है। तो लाइक एंड कमेंट किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे वीडियो रिकॉर्ड करने में, वीडियो एडिटिंग करने में, वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। सो लाइक एंड कमेंट जरूर किया करो, और चैनल को आप लोग फॉलो कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। बट जब भी वीडियो आप लोग विजिट करो, तो वीडियो को लाइक एंड एक कमेंट कर दिया करो, ठीक है। सो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।